तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या 18 महीने के डीए एरियर मिलने वाला है और स्पर्स पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कैसे करेंगे। लाइफ सर्टिफिकेट का टाइम आ गया है बहुत सारे पेंशनर्स का, क्योंकि ये जो अक्टूबर और नवंबर का महीना है इसमें बहुत सारे पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू रहता है, तो उसको भी किस तरीके से ट्रैक करेंगे, अपना ड्यू डेट कैसे देखेंगे, सब कुछ प्रैक्टिकली जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। और वीडियो काफ़ी छोटा होगा इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। वैसे तो आपको पता ही है कि हमेशा हमने आपको सही और सटीक जानकारी दी है, तो अभी हमने पिछले बार आपको बताया था कि इक्वल MSP केस का क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा जोखिम JCOs और ORs को होता है, फिर इक्वल MSP पर इतनी देरी क्यों हो रही है और सीधा की सीधा केस जो है कोर्ट में चल रहा है वो रिजेक्ट क्यों हो गया। दिवाली से पहले पेंशन बढ़ने वाला था, अगर पेंशनर की अचानक से डेथ हो जाती है फैमिली पेंशन इनिशिएट करना होता है और वहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप हमने बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको फॉलो करना है। अगर आपका सितंबर महीने का जो मैसेज आया था उसमें आपका एरियर किस तरीके से कैलकुलेट होगा, आपका पेंशन बढ़ा हुआ कैसे आपको मिला है, फिर आप अपना रैंक के अकॉर्डिंग अपने क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना कॉरिजेंडम PPO स्पर्स पेंशन पोर्टल पे जा करके खुद से कैसे डाउनलोड करेंगे, सारी चीजें हमने बताई हुई है। इसलिए आपसे इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनीवे, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे जो कि है 18 महीने का DA एरियर को लेकर के। तो इस पर क्या अभी फैसला है और क्योंकि इस पर बहुत सारे न्यूज भी चल रहे हैं तो एक्चुअल अपडेट क्या है वो मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लाइफ सर्टिफिकेट पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 18 महीने का DA एरियर मिलने वाला है लेकिन इस पर कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए भारत सरकार की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से कोई भी इसके ऊपर नोटिफिकेशन नहीं आया। अब एक्चुअल में कंडीशन क्या है उसे समझ लीजिए। देखिए आज के टाइम पर अगर देखा जाए ना तो भारत सरकार का फाइनेंशियल कंडीशन सही है और इसके लिए ना जाने कितने लेटर्स भारत सरकार को हमेशा जाते रहता है। स्पेशली इसी तरीके से 18 महीने का जो एरियर है इसके लिए भी भारत सरकार को लेटर यहाँ से जारी किया गया है। अब चूंकि लेटर क्यों जारी किया गया, ताकि वो 18 महीने का जो एरियर बकाया है वो दे सके, रिलीज कर सके, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। तो आप अभी तक अगर आपको जो भी न्यूज़ अपडेट्स मिल रहे हैं बस आप इतना समझ लीजिए कि देर इज़ नो अपडेट ऑन दिस टिल नाउ। अभी तक कोई भी इसके ऊपर भारत सरकार की तरफ से अपडेट नहीं है। हमारे तरफ से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, बहुत सारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से वो हमेशा ऐसे लेटर जारी कर रहे हैं भारत सरकार को कि जो बकाया राशि है वो एटलीस्ट पेड होना चाहिए। तो बकाया राशि पर लेटर्स तो बहुत सारे जारी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन धरातल पर अभी कोई अपडेट नहीं है सरकार का फाइनेंशियल कंडीशन होते हुए भी। अब जो लेटर जारी होते हैं ना, जो लोग लेटर लिखते हैं भारत सरकार को, वो बजाबते ये चीज़ भी पॉइंट आउट करते हैं कि अब तो भारत सरकार का फाइनेंशियल कंडीशन भी सही है तो फिर क्यों एरियर जो 18 महीने का बकाया उसको रोका जा रहा है। तो इसके लिए लगातार लेटर्स जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं, लेकिन अब चूंकि अपडेट की हम बात कर रहे हैं तो भारत सरकार की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक चीज़ मेंशन किया कि लेटर ऑलवेज रिलीज्ड ऑन दिस, हमेशा होता है इस पे लेटर जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो अब 18 महीने वाला जो एरियर है उसकी जितनी भी बातें हो रही हैं उसका एक लाइन का कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि लेटर्स जारी हो रहे हैं। अभी दो दिन पहले भी एक लेटर जारी हुआ, उसको लेकर के भी बहुत सारा हुआ बनाया गया कि अभी 18 महीने का एरियर मिल जाएगा, लेकिन देखिए लेटर्स जारी हुए हैं पर उस पर गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड। एरियर वाला मामला तो आपको समझ आ गया होगा। देखिए लाइफ सर्टिफिकेट के लिए मैं हमेशा बात कर रहा हूँ, अपने सारे वीडियोज में बात कर रहा हूँ, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट अगर आपका अपडेटेड रहेगा तो आपका पेंशन कंटिन्यू रहेगा। और आपको पता है कि अगर जीवन प्रमाण पत्र में कहीं डिले हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो पेंशन रुक सकता है, और पेंशन एक बार रुक गई तो दोबारा रीइनिशिएट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा अपने सारे वीडियोज में बताता हूँ कि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जरूर अपडेटेड रखें। अब देख, जैसा कि हम सबको पता है कि स्पर्स का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है spurs.defensepension.gov.in। अब इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना। अब जैसे ही वेबसाइट आप ओपन करते हैं ना तो देखिए आपके सामने फर्स्ट में ही अलर्ट मैसेज आ जाएगा।
अब इस वेबसाइट को आप अपने मोबाइल फ़ोन से ओपन करें, कंप्यूटर से करें, लैपटॉप से करें, टैबलेट से करें, कैसे भी कीजिएगा, मैसेजेस और पैटर्न बिल्कुल सेम ऐसा ही रहता है। देखिए एक चीज़ की कमी है स्पर्स में कि स्पर्स ना चाहते हुए भी लॉन्च हो गया, पेंशनर्स को बहुत तकलीफ हुई है पिछले 2-3 साल में, ये तो बिल्कुल सच्चाई है। और यही रीज़न की वजह से हमने ये वीडियोस भी बनाए ताकि पेंशनर्स को हेल्प हो सके, स्पेशली लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के या फिर जो उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो सही जानकारी आप तक पहुंच सके। कोशिश हमेशा यही करते हैं कि आप तक सही जानकारी पहुंचाए। तो लाइफ सर्टिफिकेट में सबसे बड़ा इशू यही है कि जब हम खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से जमा करते हैं ना, तो वो टाइम लगता है। मैं खुद मानता हूँ इस बात को कि आपको ना एक जीवन प्रमाण का ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए आप ना, आपको कुछ नहीं करना, आप गूगल पे जस्ट आपको टाइप करना है जीवन प्रमाण। इस तरीके से अगर जीवन प्रमाण आप टाइप करते हैं तो आपको ना तुरंत एक वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगा। ये इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, ये देखिए jeevanpraman.gov.in। अब यहाँ से ना आपको एक डाउनलोड का लिंक आता है, इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना होता है, एक ईमेल एड्रेस और एक कैप्चा कोड देना है। ईमेल एड्रेस और कैप्चा कोड का मतलब जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पे लिख देना है और अपना ईमेल आईडी देंगे। तो इस ईमेल आईडी पे ना आपको एक डाउनलोड का लिंक देगा जीवन प्रमाण ऐप वाला, उसको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। और उसके बाद आपका ना एक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फेस क्या होता है ना कि जब अपने मोबाइल फ़ोन से अपने फेस को डिटेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। वो ना आपको लाइक थोड़ा मतलब इस तरीके का होता है कि वहाँ पे ना आपका लाइफ ही जो फेस होता है वही डिटेक्ट नहीं हो पाता है फ़ोन से। तो उसका एक शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आप लाइटेड एरिया में बैठिए जहाँ पे लाइट का अच्छा मतलब आपके फेस पे लाइट अच्छे से पड़ रहा हो। दूसरी चीज़ क्या है कि अपने आइज़ को हमेशा ब्लिंक करते रहिए, जब आपका आइज़ ब्लिंक होगा तो वो मतलब वहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। और एक बार डिटेक्ट कर लिया तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है और आप आराम से उसको फॉलो करके अपना जीवन प्रमाण पत्र भर सकते हैं। लेकिन अपना जीवन प्रमाण पत्र ज़रूर भरिए, मोबाइल फ़ोन वाले केस में ये है। दूसरा केस ये है कि अगर आप स्पर्स में ही लॉग इन कर गए तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लॉग इन करके, लेकिन उस स्पर्स के थ्रू अगर आप जमा करेंगे तो DLC डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए, तो वो बायोमेट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल करके आप जमा कर सकते हैं। और एक होता है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, MLC जिसे बोलते हैं, तो उस वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तो मना ही करता हूँ, लेकिन आप वो भी कर सकते हैं अगर जिनको डिजिटली नहीं करना है। तो एक आपका MLC सर्टिफिकेट नंबर जनरेट हो जाएगा, ये सब करके मैंने दिखाया हुआ है इसलिए मैं नहीं कर रहा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो MLC नंबर जनरेट हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको फॉर्म को फिलअप करना है, साइन करवाना है, अपलोड करवाना है, थोड़ा ट्रिकी प्रोसेस है। मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन क्या है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा jeevanpraman.gov.in, ये जीवन प्रमाण का ऑफिशियल वेब, इस पे जाइए, डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल फोन पे, जमा कर लीजिए जीवन प्रमाण पत्र। दूसरा ऑप्शन क्या है कि लाइफ स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉग इन कीजिए, DLC जमा कीजिए। और ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं पोस्ट ऑफिस वगैरह के थ्रू भी, अब वहाँ से भी जमा कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिन भी पेंशनर्स का पेंशन SBI बैंक से आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आता है, उनको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। उनको ना बेसिकली क्या होगा कि उनका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिकली अपना इस बैंक में, जैसे पहले जाते थे वैसे ही उनको बैंक में जाना है और वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर ना जो SBI बैंक है उसका जो API है वो स्पर्स पेंशन पोर्टल से अपडेटेड है, तो उसके लिए आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पहले जाते थे वैसे जाइए। हालांकि कुछ पेंशनर्स का हमारे पास मैसेज आता है कि वो जब बैंक में जाते हैं तो बैंक के कर्मचारी उनको मना करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं ऐसे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हो, तो मैं तो कहता हूँ कि आप स्ट्रिक्टली बोलिए, उनको जमा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैसेज है, स्पेशली इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है और SBI वाले को जब आप बोलेंगे तो 100% वो करेंगे। तो एक प्रॉब्लम तो यहीं ख़त्म हो गई कि जिनका SBI बैंक में पेंशन आ रहा है उनको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बैंक में सीधा जा करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा जो सिचुएशन है ना कि लाइक जब हम अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं और हमारा पेंशन जो है वो SBI बैंक से नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, अलग अलग बैंक से आ रहे हैं, तो वहाँ पर ना आपको यही मैथड्स यूज़ करने पड़ेंगे कि लाइक या तो आप फ़ोन से करें या फिर आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉग इन करके करें, कुछ भी ऐसा हो तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करके, अब दोनों ही केस में चाहे आप बैंक से जमा कर रहे हैं या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से,
आपको ना एक बार अपना अपडेशन भी देख लेना कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट क्या स्पर्स पेंशन पोर्टल से अपडेटेड है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। और देखिए, इसके लिए बार बार मैं आपको बताता हूँ कि जब आप स्पर्स पेंशन पोर्टल को इस तरीके से ओपन करते हैं ना, जितनी बार भी ओपन करेंगे ये अलर्ट मैसेज आता है, क्लिक हेयर बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आइडेंटिफायर नंबर डालना होता है। आइडेंटिफायर में ना आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, जिस बैंक अकाउंट में आपका पेंशन आता है, और एक आप डाला कीजिए पर्सनल नंबर। पर्सनल नंबर जिसको आईसी रेजिमेंटल जीपीएफ नंबर कहते हैं, ये बहुत इजी होता है, ठीक है। तो आप ना आसानी से इसको भर सकते हैं। ये इतना फिलअप करने के बाद आपको नीचे में एक कैप्चा कोड दे देना है, जैसे आप देख ही सकते हैं मैं एक कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करता हूँ इस तरीके से, और आप कैप्चा कोड दीजिए, जो भी चीज़ ऊपर में लिखा है सेम चीज़ आपको नीचे लिखना है। सर्च बटन पे क्लिक कीजिए, डेटा अगर आपने सही से फिलअप किया तो देखिए आपका आ जाएगा, और यहीं पर आपका आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट होता है। ये आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट देखिए अभी 31 अक्टूबर 2024 का चल, और आज कितनी तारीख है, 4 अक्टूबर है, तो अभी टाइम है हमारे पास 25 दिन का, तो नॉर्मली 10-15 दिन जब रह जाए आप फिलअप कर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर हो। और अगर आप 20 दिन पहले भी फिलअप कर सकते हैं, अब अक्टूबर का महीना आ गया, अक्टूबर में ही ड्यू डेट है, फिलअप कर दीजिए, मैं तो यही कहूँगा आपको। आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट ज़रूर सबमिट कीजिए। इसके अलावा बहुत सारे डिटेल्स होते हैं यहाँ पे, लाइक आपका बैंक अकाउंट नंबर, माइग्रेशन डेट, स्पर्स में आपका कब माइग्रेट हुआ था, स्पर्स का पीपीओ नंबर, आईसी रेजिमेंटल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल, सारे डिटेल्स होते हैं यहाँ पे। तो वो सारे डिटेल्स ना आप चेक कर सकते हैं बिना स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन किए हुए। तो जो हमारे नए पेंशनर्स आ रहे हैं उनके लिए ये सब करना बहुत आसान हो रहा है, वो सुपर स्मार्ट है, वो बहुत इजी वे में कर ले रहे हैं। लेकिन जो हमारे पुराने पेंशनर्स हैं उनको ज़रूर इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉब्लम फेस भी करते हैं। तो उनको मैं यही कहूँगा कि लाइक आपको क्या करना है कि जो पैटर्न है वो आप अपने बच्चों से करवा सकते हैं। जो बच्चे, जो 15 साल 18 साल के बच्चे हैं, उनको अगर आप बताएंगे कि ये स्टेप्स हैं, या फिर आप उनको वीडियो शेयर करेंगे, वो फटाफट से आपका सारा ड्यू डेट, एक्सपायरी डेट सब कुछ बता देंगे कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा कब करना है, फिर फ़ोन से कैसे सबमिट करना है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हमने दो पार्ट्स को कवर अप किया। हालांकि देखिए, मैं एक चीज़ और ख़त्म कर देता हूँ कि जो आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट देख सकते हैं और जमा कर सकते हैं, वो भी आसान है। तो बस उसके लिए क्या करना होता है, यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, यहाँ कैप्चा कोड देंगे, और आपके फ़ोन पर एक OTP जनरेट हो जाएगा। तो वो OTP आप जब डालेंगे तो स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट से लेकर के सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना सिर्फ ड्यू डेट पता करना है तो आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, बिना लॉगिन कीजिए ऐसे ही आप चेक कीजिए और अपना जमा कीजिए और देखिए कि स्पर्स से अपडेटेड है कि नहीं। एक सवाल आता है कि अगर हम जीवन प्रमाण एप्लीकेशन से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं तो क्या फिर स्पर्स में लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, या बैंक से जब जमा कर रहे हैं तो स्पर्स में लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना होता, आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दो। बस आपको मैं ये कहता हूँ कि आप ट्रैक करो, स्पर्स पेंशन पोर्टल पर लॉगिन करके आप ट्रैक कीजिए कि क्या आपका लाइफ सर्टिफिकेट, आपका जीवन प्रमाण पत्र स्पर्स से अपडेटेड हो गया। और अगर स्पर्स से अपडेटेड हो गया, सब कुछ प्रॉपर वे में, तो टेंशन की क्या बात है, सब कुछ आपका सही चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने दो टॉपिक्स कवर किए। पहला कि 18 महीने का जो DA एरियर है जो सरकार को देना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन भी सही है, लेकिन उसका एक्चुअल अपडेट सरकार की तरफ से नहीं है, पेंशनर्स के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत सारे लेटर जारी हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैंने आपको लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में बताया। और अगर आप हमें फॉलो करते हैं शुरू से तो आपको पता है कि हमने लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए और हमेशा डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे पेंशनर्स नए आए हैं, जो नया हमें देख रहे हैं, तो मैं उनसे तो यही कहूँगा कि आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि ऐसा एक कम्युनिकेशन बना रहे, और आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।